नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग, मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीद कर कैप्टन को डरा कर मैच जीता जाता है, क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। तो ये कैसा चुनाव हो रहा है? अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले दो खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया, केजरीवाल जी को, सोरेन जी को, हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है। ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीद कर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा, याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। जय हिंद।